नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बाबूलाल जी बाजिया, जिन्होंने स्कूल व्याख्याता इतिहास भर्ती में 7वीं रैंक प्राप्त की है। मेरी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से बाबूलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप बार बार असफल भी होते हो तो आपको अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और संघर्ष जितना आप ज़्यादा करोगे सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। मुझे मेरे एक परिचित मित्र जो आर्य क्लासेस से कोचिंग करके गया था, वो सामाजिक विज्ञान विषय से सेलेक्ट हुआ, उसने मुझे मार्गदर्शन के रूप में मेरी मदद की और मुझे अलग अलग विषयों की जो किताबें सजेस्ट की थी, और साथ में मुझे ये सुझाव दिया कि आप एक बार सीकर जाइए और निर्मल जी आर्य से मुलाकात कीजिए। कुछ सुझाव दिया कि अपने आर्य भारतीय इतिहास की जो किताब है उसमें अपने संशोधन का लक्ष्य लेकर चलना है, और आपको जो भी नए तथ्य मिलते हैं, नए फैक्ट मिलते हैं, वो आपको उसमें ऐड करते जाना है। और मैं जहाँ जहाँ मुझे किताबों से जो भी सामग्री मिली आर्य भारतीय इतिहास के अंदर में तथ्य जोड़ता गया, और हर रविवार को इनके पास में बैठकर उन पर हम विचार विमर्श भी करते, और इस प्रकार से धीरे धीरे जनवरी 2020 के अंदर एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम होने के बाद जब उन्होंने मेरा पेपर देखा तो वो इतिहास के अंदर 120 में से 115% मैंने किए सर। तैयारी के लिए आपने अध्ययन सामग्री के रूप में किन किन पुस्तकों का सहारा लिया? सर, मैंने सबसे पहले बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर ली थी शुरू के अंदर, बाद में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मुझे ये अभ्यास हुआ, या जो लोगों से मुझे प्रतिक्रिया मिली वो ये थी कि इतिहास के अंदर 2007 के बाद में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, आर्य भारतीय इतिहास जो पुस्तक है वो अभ्यर्थियों के लिए रामबाण साबित हुई है। हो सकता है उन्होंने बहुत सी किताबों की मदद ली है, लेकिन जब परीक्षा का पेपर होता है तो लगभग 90% पेपर इस किताब से निकला था, इसलिए मैंने भी बहुत सारी किताबें सिलेक्ट की। लेकिन मैं जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी इतिहास के विद्यार्थी कर रहे हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि अब आर्य भारतीय इतिहास एक ऐसी पुस्तक है कि जी आप उसको इतिहास के तथ्य की गीता कहें तो अति शोक्ति नहीं होगी। और इसके अलावा आपको भारतीय इतिहास के लिए तीन जो भाग हैं उनके लिए एक एक किताब है। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए पप्पू सिंह प्रजापत, मध्यकालीन इतिहास के लिए एलपी शर्मा, और आधुनिक इतिहास के लिए विपिन चंद्रा, विश्व इतिहास के लिए आर्य भारतीय विश्व इतिहास अरविंद जी भास्कर और जैन और माथुर। इसके अलावा यूथ या अरियंत में से आपको पुराने जो पेपर सेट हैं वो सबसे ज़्यादा निकालने हैं, प्रतिदिन आपको पेपर निकालते जाना है। मेरा इतिहास के विद्यार्थियों को एक ही संदेश है जो अभी असफल हुए हैं या जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, कि जब समय समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो आपको सफलता वो थोड़ी दूर चली जाती है। इसके अलावा पढ़ाई में हमेशा नियमितता रखनी है, क्योंकि आप एक दिन 2 घंटे पढ़ते हो, एक दिन 8 घंटे पढ़ते हो, उसकी बजाय चाहे आप 4 या 5 घंटे का समय बनाओ, लेकिन पढ़ाई में आपको नियमितता रखनी है। और सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन, बार बार रिवीजन, और जो पुराने पेपर्स हैं उन पर अधिक ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद बाजिया जी, आपको हमारे तरफ से और दर्शकों की तरफ से। आपके मार्गदर्शन में हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सिलेक्ट हों, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।